हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आचल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं। और अभी जो हमारा टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ का निर्माण संबंधी तथ्य, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य कैसे बना, इसको लेकर इसका गठन कैसा हुआ, इसको लेकर जो है मेरी ये क्लास है। ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस क्लास को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वतंत्रता से पहले छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जो है वो मराबे के अधीन था और नागपुर राज्य का हिस्सा था। ठीक है, तो ये जो डाटा है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट डाटा हैं, ये आप अपने मेंस के आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके प्रीलिम्स की परीक्षा है, इसके अलावा कोई और दूसरा एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता से पहले जो छत्तीसगढ़ है वो नागपुर राज्य का हिस्सा था और ये मराबे के अधीन था ये एरिया। 1854 में एक हड़प नीति आई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके तहत जो है डलहौजी ने जो है अधिग्रहण कर लिया था छत्तीसगढ़ क्षेत्र का। अब 1861 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश शासन के द्वारा जो मध्य प्रांत है, मतलब जो सेंट्रल प्रोविंस है, उसका गठन किया गया था। और इसमें क्या किया गया था कि रायपुर और बिलासपुर को जिला बनाया गया था। देखिए, ये एक बार में आपको याद नहीं होगा, लेकिन ये याद रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता से पहले नागपुर राज्य का हिस्सा था छत्तीसगढ़ वाला पार्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर हड़प नीति के तहत जो है डलहौजी ने इस एरिया का अधिग्रहण कर लिया था। उसके बाद सेंट्रल प्रोविंस बना था, जिसमें कि रायपुर और बिलासपुर को नया जिला बनाया गया था 1861 मध्य प्रांत। 1862 में क्या किया गया था कि मध्य प्रांत जो बना 1861 में, उसके प्रशासन के लिए 5 संभागों का गठन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग बनाया गया था और रायपुर को इसका मुख्यालय बनाया गया था। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि 1861 में जो मध्य प्रांत बना था, उसके बाद ही उसके संचालन के लिए कुछ होगा, तो उसके प्रशासन संचालन के लिए 5 संभाग बनाए गए थे, जिसमें से एक संभाग क्या था, छत्तीसगढ़ का संभाग था, और रायपुर को इसका मुख्यालय बनाया गया था। अब आप 1862 से जाएंगे सीधा 1905 में, तो भाषाई आधार पर प्रांत का जो है पुनर्गठन हुआ था, जिसमें कि जो ये देखिए ईस्ट वाला एरिया, जैसे कि संबलपुर और बंगाल, जो संबलपुर है वो ईस्ट साइड में है, तो वो बंगाल में शामिल हुआ था। और छोटा नागपुर की 5 रियासत, सरगुजा, उदयपुर, जशपुर, चांगबगारा और कोरिया, उसको छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया, जो कि अभी भी छत्तीसगढ़ का पार्ट है। ठीक है, और इस समय जो है छत्तीसगढ़ की सीमाएं जो हैं वो सुस्पष्ट हुई। तो ये इम्पोर्टेंट है, 1905 में जब भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन हुआ, तब छत्तीसगढ़ की जो सीमाएँ हैं वो सुस्पष्ट हुई। इसके बाद आप जाओ सीधा 1918 में। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी, उनकी एक रचना थी पांडुलिपि, उन्होंने जो है अपनी रचना पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र खींचा। ठीक है, और इसीलिए इन्हें जो है, मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा को, छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा एवं संकल्पनाकार भी कहा जाता है। अब 1918 के बाद 1924 में रायपुर जिला परिषद द्वारा संकल्प पारित करके पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की मांग की गई थी। देखिए, रायपुर जिला परिषद जो था, जो मुख्यालय था छत्तीसगढ़ संभाग का, उन्होंने संकल्प पारित किया कि छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बनाना चाहिए। ठीक है, और यह पृथक राज्य के लिए सबसे पहली मांग थी 1924 की, ये इम्पॉर्टेंट है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन था, वहाँ पे जो है पृथक राज्य की मांग की थी। 1946 में क्या हुआ था, मतलब स्वतंत्रता से एक साल पहले, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने पृथक राज्य की मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, एक एसोसिएशन का गठन किया था, जो कि पृथक राज्य निर्माण के लिए पहला संगठन था। ये भी इम्पोर्टेंट है, 1946 में बना था। तो ये भी देखिए, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, उसका गठन किसने किया था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। इसके बाद 1947 में हमको आज़ादी मिली थी, और उस टाइम छत्तीसगढ़ जो था वो मध्य प्रांत एवं बरार में शामिल था, ये हमको पता है। 1955 में रायपुर के जो विधायक थे, कौन, ठाकुर रामकृष्ण सिंह,
उन्होंने मध्य प्रांत की विधानसभा जो थी, मध्य प्रांत का पार्ट था छत्तीसगढ़, तो वहाँ पे उनकी विधानसभा जो थी वहाँ पे मांग किया था कि छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य होना चाहिए। और यह जो मांग थी वो पहली विधायी प्रयास था छत्तीसगढ़ अलग राज्य हो उसके लिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 1955 में, मतलब आज़ादी के बाद। 1956 में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बना, ये साल आपको याद होना चाहिए 1956। फिर 1967 में डॉक्टर खूब चंद बघेल जो थे उन्होंने बैरिस्टर छेदी लाल की मदद से अलग पृथक राज्य के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया, छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ। इससे पहले आप लोग मेरे को बताइएगा ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने कौन सा संगठन बनाया था छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है, जिसके उपाध्यक्ष यहाँ पे कौन थे, द्वारिका प्रसाद तिवारी। अब देखिए 1976 में शंकर गुहा नियोगी जो थे उन्होंने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। 1983 में शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ ग्राम संग्राम मंच का गठन किया, ठीक है, और पवन दीवान ने, मतलब संत पवन दीवान ने छत्तीसगढ़ पार्टी नामक संगठन जो है उसका निर्माण किया। अब 1994 में जो है विधायक गोपाल परमार द्वारा संकल्प विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ। तो देखिए इससे पहले हमने देखा कि कौन कौन से संगठन बने थे, तो ये संगठन कौन कौन से थे, किन्होंने बनाया था, एक बार आपको याद करने की ज़रूरत है। पृथक छत्तीसगढ़ मांग को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश की जो विधानसभा थी उन्होंने सबसे पहले शासकीय संकल्प पारित किया। उसके बाद अब देखिए 2000 में क्या क्या हुआ था, 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया, 31 जुलाई को वो पारित हो गया, 3 जुलाई को राज्यसभा में पारित किया गया, मतलब प्रस्तुत किया गया, पहले लोकसभा में गया पारित हुआ फिर राज्यसभा में गया, 9 अगस्त को वो जो है राज्यसभा में भी पारित हो गया, 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति जो हैं कौन थे उस टाइम, श्री के आर नारायण, उन्होंने हस्ताक्षर किया, ठीक है। और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 वो बना, जिसके बाद जो है आपका छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना, कब, 1 नवंबर 2000 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ जो बना था, निर्माण हुआ था, गठन हुआ था, वो इवेंट जो है वो कितने पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है। छत्तीसगढ़ जो है वो आज़ादी से पहले मध्य प्रांत का पार्ट था, रायपुर उसका मुख्यालय था, 1956 में वो मध्य प्रदेश का पार्ट बना, उसके बाद जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सबसे पहले एक सुस्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ का पूरा नक्शा कैसा है, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा ये लेसन पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और आगे ही मैं ऐसे ही अच्छे लेसन्स आप लोगों के लिए लेकर आते रहूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।